उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद सुहाग नगरी में नहीं थम रहा डेंगू का कहर। डेंगू बुखार और वायरल फीवर का कहर लगातार जारी है। अब अस्पताल में भर्ती मरीजों की संख्या 484 के पार हो चुकी है। कल शाम तक नए 205 मरीजों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। वहीं अस्पताल से 86 मरीज सही होकर अपने घर लौटे हैं। बताते चलें, 48 घंटे में एक बच्ची की मौत हो गई। जनपद में हुई मौतों की संख्या 51 के पार पहुंच चुकी है। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह व CDO चर्चित गौंड घर घर जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य संगीता जनेजा ने सभी डॉक्टरों को टीम के साथ अलर्ट मोड पर रहने का आदेश भी दिया है। उनकी हालत जो बहुत नाजुक और संभालने में दिक्कत हो। सर, जिस तरह से CM योगी आदित्यनाथ ने दौरा किया था, अब उसके बाद से जो टीमें आना चालू हुई हैं, किस किस तरह की टीम जिले में आ चुकी हैं, क्या रिपोर्ट यहाँ से जा चुकी है, क्योंकि आप नोडल अधिकारी हैं, तो एक अहम बात ये होगी कि किस किस तरह की अब जांच हो चुकी है इस जिले की। जी, माननीय मुख्यमंत्री की जी की विजिट के बाद जो है स्टेट लेवल से मेडिकल टीम आ चुकी है। आज जो है एक नेशनल लेवल से एक मेडिकल टीम आ रही है, सेंट्रल मेडिकल टीम भी एक आज यहाँ पे आ रही है। साथ ही साथ जो है जिले में जो है नोडल ऑफिसर भी लगा दिए गए हैं, उनका आगमन आज शाम को होगा। तो शासन और स्टेट की जो नज़र है वो कंटिन्यूसली हमारे साथ बनी हुई है। हम लोग उन्हें कंटिन्यूसली टाइमली फीडबैक दे रहे हैं और जो भी उनके द्वारा और उनके टीम्स के द्वारा जो भी मार्गदर्शन दिया जा रहा है उसमें हम लोग जो है प्रॉपर तरीके से उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। सर, सोसैया में आपने जो डेंगू से पीड़ित बच्चे हैं उनका देखा हाल जाना है, किस तरह का उपचार मिल रहा है सर? जी, हम लोगों ने वहाँ पे पेशेंट से बात करी है, जो भी बच्चे वहाँ पे थे उन सबके फाइल्स वगैरह से भी हम लोगों ने क्रॉस चेक किया कुछ जगह। तो हमें काफ़ी सारे लगभग सारे केसेस में ऐसा मिला है कि जिनको भी हमने वेरीफाई किया है कि उनके द्वारा जो भी अगर ब्लड की रिक्वायरमेंट थी तो वो फुलफ़िल कर दी गई है। कुछ एक दो केसेस हमारे सामने आए थे जिनमें अभी शायद ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो पाया था, उसमें उनका रीज़न हमें बताया गया कि आज की रिपोर्ट नहीं आई है। तो इसके लिए हॉस्पिटल प्रशासन को कह दिया गया है कि जो भी टेस्टिंग वो कर रहे हैं पेशेंट्स की, उसकी रिपोर्ट जो है जल्द से जल्द आए ताकि जो इमरजेंसी केस होता है उसके ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कोई दिक्कत ना आए। सर, अभी भी कहा था आपने झोला छाप डॉक्टर जो हो रहे हैं उनकी डेंगू बच्चों की मौत हुई है, आखिर उनका जिम्मेदार कौन, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं जा रही है? नहीं, उनके खिलाफ बिल्कुल हम लोग लोगों को जो है सतर्क कर दिया है, और अगर इस तरह का कोई भी केस हमारे संज्ञान में आता है जिसमें कोई भी अगर डॉक्टर जो गलत तरीके से कुछ भी इलाज कर रहे हैं तो उनके खिलाफ हम लोग एक्शन लेंगे। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।